लेट्स टॉक ऑन कॉम्पिटेंसी और इंटेग्रिटी, क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू हैव कॉम्पिटेंसी या टू हैव इंटेग्रिटी? अगर आप एंटरप्रेनर है, आप सोचते हैं दूसरों के बारे में, आप में तो इंटेग्रिटी है ही, आई एम अज्यूमिंग, राइट? यू हैव, बट बियॉन्ड दैट व्हेन यू इवैल्यूएटिंग वर्किंग विद पीपल इन बिजनेस, क्लाइंट हो, वेंडर हो, पार्टनर हो, एम्प्लॉय हो, क्या देखते हैं आप? मोस्ट पीपल विल से यस आई लुक एट इंटेग्रिटी, बट रियली क्वेश्चन योर सेल्फ, डू एन एनालिसिस ऑफ एवरी सिंगल पर्सन दैट यू आर इंटरेक्टिंग विद एंड डू अ मैपिंग स्केलिंग कि भाई ऑन स्केल ऑफ कॉम्पिटेंसी एंड इंटेग्रिटी, एनी वन हु हैज लो कॉम्पिटेंसी बट हाई इंटेग्रिटी इन माई बुक इज ऑलवेज हाई. Anyone who has super high competency and low integrity or zero integrity is anyway, I would never end up working with him personally. Your factors might be different, but be clear ki nothing can ever beat integrity. Competency can be built, integrity cannot. Jo hai to hai, nahi to nahi hai. You can always train a people for competency to being competent. You can never train a people or someone to have high integrity. So make a choice, decide the right way. Thank you.